नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ मनोज। इस वक्त हम आए हैं जयपुर कल्याण जी के रास्ते में, जहां पे बारिश की वजह से जयपुर में भी इतनी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से आप सभी जानते हैं कि कितना जयपुर के सभी लोग क्या परेशान हो रहे हैं, घर से निकल नहीं पा रहे हैं, अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन उस बीच में हम यहाँ कल्याण जी के रास्ते में खड़े हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, कल्याण जी के रास्ते में जो एक साल पहले ये एक मकान बनाया गया था, वो कल यहाँ आज यहाँ पे ध्वस्त हो गया है। इसके बाद प्रशासन ने इसके जस्ट पास में एक घर बना हुआ था, वो 2 साल पहले बना था, प्रशासन ने उसे भी ध्वस्त करवा दिया गया। तो ऐसे में उनके बच्चे भी बहुत परेशान हैं, वो मकान जिनका था वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिनका मकान यहाँ पे गिरा है वो भी यहाँ पे काफ़ी परेशान है। वो कह रहे हैं कि वो बेघर हो गए हैं, वो लोगों से वो सरकार से कहते हैं कि हमें मुआवजा दिया जाए। यहाँ पे नगर निगम की यहाँ पे जेसीबी नहीं आई अभी तक, वो मलबा हटाए थोड़ा। नगर निगम की यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो बताई जा रही है, हम जिनका ये घर है उनसे बात करते हैं क्या उनकी अभी परिस्थिति हो रही है। मैम, कल शाम से हमें ना रोड पे हैं, ना ही तो हमारे को कोई सुविधा दी जा रही है, ना ही जेसीबी भेजी जा रही है। अंदर सामान फंसा हुआ है, हमको सरकार से यही है कि हमको मुआवजा दिया जाए बस। भूखे प्यासे पड़े हैं रोड पे हैं, आप देखिए ये फैमिली है पूरी। इधर मेरे पास कुछ भी नहीं है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि मुझे 50 लाख रुपए तो कम से कम दे, जो मैं एक एक घर का तीन का बचा सकूं, क्योंकि मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे आदमी भी प्राइवेट जॉब करते हैं। देखिए, एक आम आदमी होता है वो तिनका करके अपना घर बनाता है। ऐसे में जब इस तरह की ये सिचुएशंस हो जाती हैं, तो आपका जो घर गिरा इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? सरकार को मानते हैं, यहाँ के इनके यहाँ के उनको मानते हैं, पार्षद को, MLA को, कुछ भी नहीं सुनवाई करते, ना कोई आते ना कोई सफाई कराते, गलियों की सफाई वगैरह कुछ नहीं करवाते। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की? शिकायत करते कुछ नहीं, वो तो आके और चले जाते, कुछ भी नहीं, ध्यान ही नहीं देते था। ध्यान नहीं, हमारे आगे बोला खाली कर दो, हमने प्यार से खाली कर दिया। बाहर खड़े थे, बाहर खड़े होने के बाद में उनको प्रशासन ने हटा दिया। जब ऐसे डंडे मार के हटा दिया, हमने बोला मार क्यों गिरा रहा, हमारे क्यों गिरा रहा, हमारे क्यों गिरा रहा। और एक टीन हिली हुई थी खाली, ऊपर से सरकी हुई थी, और जबरदस्ती हम नया बना हुआ है, अभी 3 साल पहले नया बनाया। मलबा देख लो, सरिया देख लो, सारे कुछ, और बच्चे सारे बाहर खड़े हैं, पूरा फर्नीचर, खाना पीना सब अंदर बंद हो गया। ये तो मना करने के बाद तोड़ा है ना, और हम चिल्ला रहे पुलिस वाले ने और डंडे मार के बाहर भगा दिए, बोले हॉल खाली करो, हॉल खाली करो, हॉल खाली करो, तो गिरा दिया हमारे। देखने तक नहीं आए, ये क्या हुआ है इस चक्कर में? अभी तक यहाँ पे कोई नहीं आया। बताओ, प्रशासन निगम का आ गया, पुलिस का आ गया, बाकी जो MLA है वो इस क्षेत्र के वो नहीं आए। गलियां दिखाइए आपको, गलियां देखो कैसे, इसी वजह से ये मकान गिरा है। मतलब ये गली की वजह से गिरा है, इसको अवगत कराया गया पहले, बोलते हैं बोले गलियों का टेंडर नहीं हुआ अभी, तो क्या करेंगे फिर? आम आदमी तो परेशान हो रहा है ना सब, कीचड़ की गलियां रिपेयर हो जाती है, मकान नहीं गिरते हमारे, चारों तरफ मकान के कीचड़ की गलियां हैं। इसमें और तरह आगे देखिए, कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं की इसके लिए? बहुत बड़ी आते ही नहीं है, आते ही नहीं, कभी नहीं आए। सिविल लाइन खुल दिया, सारे हॉल खुले पड़े हमारे, इसी के तो पानी से होगा ही, बारिश के पानी से नाले, ऐसे थोड़ी मकान गिरने वाला था। आप कितनी गलियां देख लो, चल के पूरी भरी है इस मकान के, तीनों तरफ गलियां हैं। आप सिंगल मगर चरपेटा नहीं है इसके अंदर, बिना चरपेटा ही है, इसी वजह से गिरा है ये। 7-7 फुट के नीम है, 2-2 फुट के तो वो अपने दीवार है। आपके घर में कौन कौन है? फैमिली, बच्चे पूरे। अच्छा अच्छा, वो लोग कहाँ इस वक्त? वो कभी नानी के घर में पास में। तो अब आप ऐसे में क्या कहना चाहेंगे प्रशासन ने, जो आप जो भी हमारे को मुआवजा मिलना चाहिए? हमारा डबल मंजिल का बना हुआ था, एक ये सिंगल मंजिल था, ये डबल मंजिल था, सारा हमारा फर्नीचर सब दब गया, और बच्चे नानी के गए हैं पास में, सारा सामान आपका दब गया, आपको निकालने का मौका नहीं दिया? कुछ भी नहीं बोला, आप खाली कर दो गिर जाएगा, खाली कर दो गिर जाएगा। बाहर आ गए, हमको थोड़ी पता है कि गिरा देंगे इसको। कल एक 3 सीट हमारे ऊपर से तिरछी हो रही थी, और कोई मतलब नहीं, हवा में हो गई होगी तिरछी, नया गिरा हुआ दिख रहा नहीं है सबको, नया लोया सारा सामान दिख रहा है इसके अंदर, ये कार्टून पड़े। आपको भी ऐसा लग रहा है तो क्यों गिरने वाला है? नहीं गिरने वाला, आप देखो ना अपने रूम में सारा सामान पड़ा, ये डब्बे पड़े, बैग पड़ा, इधर अलमारी भरी पड़ी, इसके गिराने चक्कर पुराने वाले मकान के पड़ोसी के मकान की दरार आ गई। ये भी है ना, ऊपर का मकान आपको दिखाया गया है उसमें वीडियो पे, बिल्कुल नया बनाया, अभी साल भर भी नहीं हुआ था ये, खाली उस गली की वजह से, गली की वजह से जो कांटा भरा रहता है, कीचड़ भरा रहता है, उसकी वजह से। आप देखो गलियां, देखो गली की, फोटो आप गली में देखो कितनी शोर खुला पड़ा है, उसकी वजह से गिराई है। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ गंदगी हो रखी है, लेकिन नगर निगम द्वारा, प्रशासन द्वारा यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। लोगों का ये कहना है कि ये गलियों में जो गंदा है और जो पानी यहाँ भर जाता है, उस वजह से ये घर यहाँ पे गिरा है।
लेकिन ऐसे में आम लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कितनी गंदगी यहाँ दिखाई दे रही है, आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने काफी शिकायत भी यहाँ से नगर निगम से की है, प्रशासन से की है, लेकिन कभी उनके द्वारा यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में ये नगर निगम के ऊपर बड़ा सवाल होता है कि वो क्यों जनता की सहायता नहीं कर रहे हैं या उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।